नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगस्त महीने के दूसरे सप्ताह से जुड़े करंट अफेयर्स के बारे में, जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं कि भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना ने 7 अगस्त को द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार 2021 में भाग लिया। फारस की खाड़ी में तैनात 2 इंटीग्रल सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टरों के साथ INS कोची ने अभ्यास में हिस्सा लिया। UAE नेवी ने UAESAAL धफरा एक बेड़ूनां क्लास गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट और एक AS-565B पैंथर हेलीकॉप्टर के साथ भाग लिया। अभ्यास के हिस्से के रूप में सामरिक युद्धाभ्यास, क्षितिज लक्ष्यीकरण, खोज और बचाव और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अभ्यास दोनों नौसेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए जहाजों द्वारा किए गए। कर्नाटक सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 से नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने का आदेश जारी किया है। कर्नाटक वर्तमान शैक्षणिक सत्र से नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का आदेश जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 26.8% से बढ़कर 2035 तक 50% करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के साथ राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा स्नातक कार्यक्रम का हिस्सा बन जाएगा। छात्र आधिकारिक ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से अधिकतम 40% क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी विश्वविद्यालय से 50% क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। बात अगर कर्नाटक की करें तो यह दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वर्तमान में इसके 31 जिले हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं और राज्यपाल थावरचंद गहलोत जी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में रेखा शर्मा का कार्यकाल अगले 3 वर्षों के लिए या अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने 7 अगस्त 2018 को NCW अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था। वह 2015 से राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य थी। उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अकेले घरों में फंसे बुजुर्गों के लिए हैप्पी टू हेल्प टास्क फोर्स की स्थापना की थी। उन्होंने चर्च में अपना स्वीकारोक्ति करने वाली महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और ब्लैकमेल के खिलाफ भी आवाज उठाई। राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो इसका गठन 1992 में हुआ था। यह महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ग्रीष्मकालीन खेलों का समापन समारोह टोक्यो के नेशनल स्टेडियम में संपन्न हुआ। टोक्यो ओलंपिक खेल 17 दिनों के बाद समाप्त हुए। समापन समारोह का विषय दुनिया हम साझा करते हैं था। यह पहला ओलंपिक है जो दर्शकों के बिना आयोजित किया गया। बजरंग पुनिया टोक्यो में समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे। भारत 7 पदकों के साथ 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य टोक्यो ओलंपिक खेलों में 48वें स्थान पर रहा। स्वर्ण पदक तालिका में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा।
उसके बाद चीन 38 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जापान 27 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। कुल पदकों के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका 113 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। पदक तालिका में चीन 88 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि रूसी ओलंपिक समिति 71 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। फ्रांस पेरिस में 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। बात करते हैं आगे। सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बीडी मिश्रा को मिजोरम के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया है। सरकार ने सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद को मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बीडी मिश्रा अपने स्वयं के कर्तव्यों के अलावा मिजोरम के राज्यपाल हरी बाबू कंभम पति के कर्तव्यों का पालन करेंगे। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद अपने स्वयं के कर्तव्यों के अलावा मणिपुर के राज्यपाल डॉक्टर नजमा ए हेपतुल्ला के कर्तव्यों का पालन करेंगे। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने विदेशी राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय यूके यानी FCDO यूके के सहयोग से स्वावलंबन चैलेंज फंड SCF लॉन्च किया। यह उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। यह संगठनों के बीच प्रतिस्पर्धा का उपयोग करके विशिष्ट उद्देश्यों के लिए धन आवंटित करने के लिए एक निधि सहायता तंत्र है। स्वावलंबन चैलेंज फंड SCF अस्थायी आजीविका वित्तीय समावेशन और वित्तीय सेवाओं पर केंद्रित गैर लाभकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। आवेदकों को दो श्रेणियों में आमंत्रित किया जाएगा, पायलट श्रेणी और स्केल अप श्रेणी। पायलट श्रेणी के लिए 20 लाख रुपए और स्केल अप श्रेणी के लिए 35 लाख रुपए तक का आवंटन किया गया है। MSME मंत्रालय के सचिव बीबी स्वैन द्वारा एक डिजिटल पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। बात अगर सिडबी की करें तो यह MSME क्षेत्र का प्रमुख वित्तीय संस्थान है। यह वित्तीय सेवा विभाग के तहत काम करता है। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित और पर्यवेक्षण किया जाता है। उज्ज्वला 2.0 का शुभारंभ पीएम मोदी 10 अगस्त 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महोबा उत्तर प्रदेश में LPG कनेक्शन सौंप कर करेंगे। उज्ज्वला 1.0 को 2016 में BPL परिवारों की 5 करोड़ महिला सदस्यों को LPG कनेक्शन प्रदान करने के लक्ष्य के साथ लॉन्च किया गया था। अप्रैल 2018 में 7 और श्रेणियों SC ST PMAY AAY अति पिछड़ा वर्ग चाय बागान वनवासी द्वीप समूह की महिला लाभार्थियों को भी उज्ज्वला 1.0 में शामिल किया गया था। लक्ष्य को संशोधित कर 8 करोड़ LPG कनेक्शन कर दिया गया। सरकार ने लक्ष्य तिथि से 7 महीने पहले अगस्त 2019 में लक्ष्य हासिल कर लिया। वित्त वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में सरकार ने PMUY
योजना के तहत 1 करोड़ और एलपीजी कनेक्शन की घोषणा की है। 1 करोड़ अतिरिक्त पीएमयूवाई कनेक्शन उज्ज्वला 2.0 के तहत का उद्देश्य उन कम आय वाले परिवारों को जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है जिन्हें पीएमयूवाई के पहले चरण के तहत कवर नहीं किया जा सका था। उज्ज्वला 2.0 के तहत लाभार्थियों को पहली रिफिल और हॉट प्लेट निःशुल्क प्रदान की जाएगी। उज्ज्वला 2.0 के तहत प्रवासियों को राशन कार्ड या पते का प्रमाण जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक स्वघोषणा, पारिवारिक घोषणा और पते का प्रमाण दोनों के रूप में पर्याप्त होगा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने आपातकालीन उपयोग के लिए जॉनसन एंड जॉनसन J&J की एकल खुराक कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। भारत में कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी और मॉडर्ना के बाद मंजूरी प्राप्त करने वाला यह 5वां कोविड-19 वैक्सीन है। यह निर्णय तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण से प्रभावकारिता और सुरक्षा डेटा के आधार पर लिया गया है। यह सिंगल शॉट वैक्सीन कोविड-19 के खिलाफ 85% प्रभावी है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच गठबंधन क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप के तहत भारत में जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन का उत्पादन होने की संभावना है। इससे पहले भारत सरकार ने घोषणा की थी कि अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और जापान के नियामकों या विश्व स्वास्थ्य संगठन की आपातकालीन उपयोग सूची द्वारा अनुमोदित कोविड-19 टीकों को भारत में क्लिनिकल परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। लोकसभा ने 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 पारित किया। इसे सदन के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया गया है। विधेयक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति को बहाल करने का प्रस्ताव है। संशोधन विधेयक अनुच्छेद 342A खंड 1 और 2 में संशोधन करेगा और एक नया खंड 342A(3) जोड़ेगा। यह अनुच्छेद 366, 26C और 338B(9) में भी संशोधन करेगा। संविधान संशोधन विधेयक से देश की 671 जातियों को लाभ होगा। यह देश के संघीय ढांचे को मजबूत करेगा। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी कि SEBC की सूची को अधिसूचित करने का अधिकार दिया था। मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद सरकार यह बिल लेकर आई है जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग की पहचान के लिए सिर्फ केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया था। कई पार्टियां आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाने की मांग कर रही हैं। उन्नीस सौ इकहत्तर के युद्ध नायक कमोडोर कासरगोड पटना सेट्टी गोपाल राव ने 94 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। 1971 में भारत पाक युद्ध में उनके योगदान के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराने के लिए पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। 1971 के युद्ध के दौरान वह 2 अरनाला श्रेणी के पनडुब्बी रोधी कॉर्वेट के कमांडर थे। इन पनडुब्बियों ने 4 दिसंबर 1971 को कराची हार्बर पर हमला किया था। वह विशिष्ट सेवा पदक से के प्राप्तकर्ता भी थे।
भारतीय सेना की 101 सदस्यीय टुकड़ी रूस में 22 अगस्त से 4 सितंबर 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों 2021 में भाग लेगी। यह इस साल खेलों का 7वां संस्करण है। रूसी रक्षा मंत्री ने कहा कि 42 देशों की 280 से अधिक टीमें भाग लेंगी और यह प्रतियोगिता 11 देशों में हो रही है। भारतीय सेना की टुकड़ी आर्मी स्काउट मास्टर्स प्रतियोगिता ASMC, एल्ब्रस रिंग, पोलर स्टार, स्निपर फ्रंटियर और सेफ रूट गेम्स में हिस्सा लेंगी। भारत पहले जैसलमेर में आर्मी स्काउट्स मास्टर प्रतियोगिता 2019 में भाग लेने वाले 8 देशों में पहले स्थान पर था। अगर अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल की बात करें तो यह एक वार्षिक रूसी सैन्य खेल आयोजन है। यह रूस के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। खेलों को वॉर ओलंपिक्स भी कहा जाता है। वे पहली बार अगस्त 2015 में आयोजित किए गए थे। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने पहली बार 2 महिला अधिकारियों को युद्धक भूमिका में शामिल किया है। प्रकृति और दीक्षा अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद महिला युद्धक अधिकारी के रूप में ITBP में शामिल हुई। मसूरी में अकादमी में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद कुल 53 अधिकारियों को शामिल किया गया। कुल 53 अधिकारियों में से 42 अधिकारी जनरल ड्यूटी कॉम्बैट कैडर में और 11 को इंजीनियरिंग कैडर में शामिल किया गया। पासिंग आउट परेड समारोह के दौरान हिस्ट्री ऑफ ITBP पुस्तक का भी विमोचन किया गया। ITBP ने 2016 में युद्धक भूमिकाओं में आधिकारिक अधिकारियों की भर्ती शुरू की थी। बात अगर भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP की करें तो यह भारत के 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। इसे 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद CRPF अधिनियम के तहत 24 अक्टूबर 1962 को बनाया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ITBP के महानिदेशक सुरजीत सिंह देसवाल जी हैं। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह टोक्यो ओलंपिक खेलों में नीरज चोपड़ा की उपलब्धि को चिन्हित करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मनाया जाएगा। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ देश भर में भाला प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करेगा। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों के भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। वह स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट हैं जिन्होंने एथलेटिक्स ट्रैक एंड फील्ड पदक जीता है। नागालैंड ने पहले वन धन वार्षिक पुरस्कार 2020-21 में 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। ट्राइफेड के 34वें स्थापना दिवस पर पुरस्कार वितरित किए गए। केंद्रीय आदिवासी मंत्री अर्जुन मुंडा ने पुरस्कार प्रदान किए। नागालैंड को सर्वश्रेष्ठ सर्वेक्षण राज्य, सर्वश्रेष्ठ बिक्री उत्पन्न, सर्वश्रेष्ठ नवाचार और रचनात्मकता, सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण और सबसे अधिक संख्या में VDVKC स्थापित सबसे अधिक संख्या में VDVKC स्थापित श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। इसे आंवले की शराब और मशरूम की खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ नवाचार और रचनात्मकता में यह पुरस्कार मिला है। वन धन योजना की अगर बात करें तो इसे 14 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया गया था। ट्राइफेड
राष्ट्रीय स्तर पर योजना को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है। इसका उद्देश्य जनजातीय उत्पादों में मूल्य वर्धन के माध्यम से जनजातीय आय में सुधार करना है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC ने अपनी छठी आकलन रिपोर्ट AR6 का पहला भाग क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस शीर्षक से जारी किया है। IPCC 2013 से समय समय पर आकलन रिपोर्ट प्रकाशित करता है। भारत की जलवायु गर्म तरंगे और हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने से प्रभावित होंगी और सदी के अंत में भारी बारिश होगी। रिपोर्ट अगले दशकों में ग्लोबल वार्मिंग के 1.5 डिग्री सेल्सियस के स्तर को पार करने की संभावनाओं के नए अनुमान प्रदान करती है। एशिया में समुद्र का स्तर वैश्विक औसत से तेजी से बढ़ रहा है। दक्षिण एशिया में वार्षिक और ग्रीष्म मानसूनी वर्षा में वृद्धि होगी। अगले कुछ दशकों में पृथ्वी की सतह का औसत तापमान पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि मानव प्रभाव के कारण हमारी जलवायु तेजी से बदल रही है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल जलवायु परिवर्तन का आकलन करने के लिए 1988 में स्थापित एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है। भारत से निर्जलित महुआ फूलों की पहली खेप छत्तीसगढ़ से फ्रांस निर्यात की गई। महुआ के फूलों को कोरबा जिले के जंगल से एकत्र किया गया और एपिडा द्वारा संसाधित किया गया। देसी महुआ या मधुका लोंगी फोलिया फूल मुख्य रूप से मधुका लोंगी फोलिया फूल, इसका वैज्ञानिक नाम है, मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में पाए जाते हैं। देसी महुआ प्राकृतिक शर्करा का एक समृद्ध स्रोत है। इसका उपयोग शराब, दवा और सिरप बनाने के लिए किया जाता है। महुआ के फूलों के निर्यात से काश्तकारों और आपूर्तिकर्ताओं की आय में वृद्धि होगी। यह इसके औद्योगिक उपयोग का दायरा भी खोलेगा। भारत ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट और नागा मिर्च का निर्यात किया है। एपिडा कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। भारतीय वैज्ञानिकों ने फलों के सेल्फ जीवन को बढ़ाने के लिए परिरक्षकों से भरे कार्बन ग्राफीन ऑक्साइड से बना एक मिश्रित कागज विकसित किया है। फलों के सेल्फ जीवन को बढ़ाने के लिए कार्बन आधारित कागज को रैपर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और यह पुनः प्रयोज्य है। वर्तमान में फलों की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए प्रिजर्वेटिव डीपिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक में परिरक्षक फल द्वारा सोख लिए जाते हैं जो उपभोक्ताओं के लिए हानिकारक है। नए कार्बन आधारित रैपर जरूरत पड़ने पर ही परिरक्षक छोड़ता है। यह फलों को बर्बाद होने से बचाने में मदद करेगा। इस कार्बन आधारित रैपर में ऑक्सालिक एसिड परिरक्षकों की रिलीज को तभी ट्रिगर करता है जब फल अधिक पक जाते हैं या रोग जनकों द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, अन्यथा परिरक्षक कार्बन आधारित रैपर के साथ रहता है। स्मार्टफोन री कॉमर्स
मार्केट प्लेस कैसीफाई ने राजकुमार राव को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। राजकुमार राव ने कंपनी के साथ एक बहुवर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। वह अभियानों और प्रचार गतिविधियों के माध्यम से डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उत्पादों का प्रचार करेंगे। हाल ही में कैसीफाई ने अपनी सेवाओं में विविधता लाने के लिए यूनिशॉप का अधिग्रहण किया है। अन्य ब्रांड एम्बेसडर्स की बात करें तो मिंत्रा ने ऋतिक रोशन, विजय देवरकोंडा और दुलकर सलमान को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ज्वेलरी ब्रांड जेया ने वाणी कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। स्लिप कंपनी ने अनिल कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। भारतीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को उत्तराखंड के महिला एवं बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। डीआरडीओ ने मेड इन इंडिया माणिक टर्बोफैन इंजन द्वारा संचालित निर्भय स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। मिसाइल को बेंगलुरु में एक डीआरडीओ प्रयोगशाला वैमानिक विकास अभिकरण द्वारा विकसित किया गया है। मिसाइल के इंजन को बेंगलुरु में डीआरडीओ प्रयोगशाला गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRI द्वारा विकसित किया गया है। परीक्षण का मुख्य उद्देश्य गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRI द्वारा विकसित माणिक स्मॉल टर्बोफैन इंजन STFE के प्रदर्शन का आकलन करना है। निर्भय मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है। यह भारत में विकसित पहली स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल है। सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा है कि राज्य सरकारें राज्य में उच्च न्यायालयों के पूर्व आदेश के बिना मौजूदा और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों को वापस नहीं ले सकती है। पीठ की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश नूथलापति वेंकट रमना ने की और इसमें जस्टिस सूर्यकांत और विनीत सरन भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें दोषी विधायकों और सांसदों को आजीवन चुनाव लड़ने से रोकने और विशेष अदालतें स्थापित करने और उनके खिलाफ मामलों के त्वरित निपटान का निर्देश देने की मांग की गई थी। वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया, जो इस मामले में न्याय मित्र हैं, ने कहा कि कर्नाटक राज्य सरकार के आदेश से 61 नेताओं के खिलाफ मामले वापस लेने के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वह आदेश पारित करें कि संबंधित राज्य उच्च न्यायालयों के आदेश के बिना राज्य सरकार दोषी सांसदों और विधायकों के खिलाफ किसी भी मामले को वापस लेने का आदेश पारित नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल को इस अदालत के समक्ष न्यायाधीशों, लंबित मामलों, निपटाए गए मामलों आदि का एक चार्ट प्रस्तुत करना होगा और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 25 अगस्त 2021 को सूचीबद्ध किया। भारत के 4 और आर्द्रस्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रस्थलों की रामसर सूची में जोड़ा गया है। यह स्थल गुजरात के थोल और वाधवाना और हरियाणा के सुल्तानपुर और भिंडावास हैं। अब भारत में कुल 46 रामसर स्थल हैं जो 10,83,322 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हैं। हरियाणा को अपना पहला रामसर स्थल मिला है। रामसर सूची का मुख्य उद्देश्य वैश्विक
जैविक विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का विकास और रख रखाव करना है। भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि है। यह मानव निर्मित होने के साथ ही मीठे पानी वाली आर्द्र भूमि है। इस स्थल पर 10 संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाती हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में प्रवासी और स्थानीय प्रवासी जल पक्षियों की 220 से अधिक प्रजातियां हैं। यह लुप्त प्राय मिस्र के गिद्ध, सेकर फाल्कन और ब्लैक बेलीड टर्न का घर है। थोल झील वन्य जीव अभयारण्य मध्य एशियाई फ्लाईवे पर स्थित है। यह 30 से अधिक संकटग्रस्त जल पक्षी प्रजातियों का घर है। वाधवाना वेटलैंड प्रवासी जल पक्षियों को सर्दियों में रहने के लिए उचित स्थान प्रदान करती है। यह 80 से अधिक प्रजातियों का घर है जो मध्य एशियाई फ्लाईवे पर प्रवास करते हैं। रामसर कन्वेंशन की बात करें तो यह एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है जिस पर 1971 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह 1975 में लागू हुई थी। यह स्थानीय और राष्ट्रीय कार्यों और सहयोग के माध्यम से आर्द्र भूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। एक मीट्रिक टन जैविक मणिपुर काला चावल पहली बार यूरोप को निर्यात किया गया है। चावल को लोकप्रिय रूप से चाखाओ के नाम से जाना जाता है। यह अपनी सुगंध के लिए प्रसिद्ध है और सामुदायिक दावतों के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग चाखाओ खीर बनाने के लिए भी किया जाता है। चाखाओ चावल को मई 2020 में भौगोलिक संकेत टैग मिला था। इसका उपयोग पारंपरिक चिकित्सकों द्वारा भी किया जाता है। शिपमेंट को हरी झंडी दिखाने के कार्यक्रम में मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी द्वारा जैविक अदरक और अनानास का भी नियमित रूप से निर्यात किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ है। वर्ष 1999 में संयुक्त महासभा ने 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया था। यह पहली बार 1999 में मनाया गया था। इस वर्ष यह संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से मनाया जाएगा। इस मौके पर युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2017-18 और 2018-19 प्रदान करेंगे। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2017-18 के लिए कुल 14 पुरस्कार और राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2018-19 के लिए 8 पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कार में एक पदक, एक प्रमाण पत्र और व्यक्तियों को 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और संगठन को 3 लाख रुपए का नकद पुरस्कार शामिल है। यूपी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। कांड शब्द भारत के स्वतंत्रता संग्राम की इस घटना के अपमान की भावना को दर्शाता है। हाल ही में यूपी सरकार ने चौरी चौरा महोत्सव के तहत काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ मनाई। काकोरी ट्रेन एक्शन की बात करें तो काकोरी ट्रेन एक्शन या काकोरी षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी गांव में हुई आयोजित एक ट्रेन डकैती है। डकैती को रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के अन्य सदस्यों ने अंजाम दिया था।
कमलेश कुमार पंत को राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह हिमाचल प्रदेश कैडर के 1993 बैच के IAS अधिकारी हैं। उन्होंने NPPA की मौजूदा अध्यक्ष शुभ्रा सिंह की जगह ली है। अमृत लाल मीणा को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव रसद नियुक्त किया गया है। सुधीर गर्ग को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। जयंत सिन्हा को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया गया है। अन्य नियुक्तियों का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है, आइए उसको भी देखते हैं। संजीव कुमार को अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय नियुक्त किया गया है। संजय गर्ग को अपर सचिव कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग एवं सचिव भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नियुक्त किया गया है। सुमन वर्मा को प्रबंध निदेशक सौर ऊर्जा निगम ऑफ इंडिया लिमिटेड का सचिव नियुक्त किया गया है। तन्मय कुमार को संयुक्त सचिव पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का अध्यक्ष केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। एंग्लो मणिपुर युद्ध 1891 के शहीदों की याद में मणिपुर में 13 अगस्त को देशभक्त दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मणिपुर के राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद चौरसिया ने इम्फाल में एंग्लो मणिपुर युद्ध 1891 के शहीदों को समर्पित स्मारक परिसर का उद्घाटन किया। देशभक्त दिवस समारोह इम्फाल में प्रभात फेरी के साथ शुरू हुआ। इम्फाल के विभिन्न स्थानों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज ही के दिन 1891 में मणिपुर के राजकुमार वीर टिकेंद्रजीत और जनरल थंगल को इम्फाल क्षेत्र में जनता के सामने फांसी पर लटका दिया गया था। एंग्लो मणिपुर युद्ध 1891 की अगर बात करें तो यह ब्रिटिश साम्राज्य और मणिपुर साम्राज्य के बीच एक सशस्त्र संघर्ष था। मणिपुर सेनाएं मेजर पावना ब्रजवासी के अधीन लड़ी। इस युद्ध में अंग्रेजों ने मणिपुर को हरा दिया था। यह 31 मार्च को शुरू हुआ और 27 अप्रैल को समाप्त हुआ। डूरंड कप के 130वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में 5 सितंबर से 3 अक्टूबर तक किया जाएगा। डूरंड कप का पहला संस्करण 1888 में आयोजित किया गया था। इसका नाम भारत के तत्कालीन विदेश सचिव मॉर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया है। विजेता टीम को 3 ट्रॉफियां मिलती हैं, प्रेसिडेंट कप, डूरंड कप और शिमला ट्रॉफी। टूर्नामेंट के मैच कोलकाता के आसपास के विभिन्न स्थानों पर खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट में देश भर की 16 टीमें भाग लेंगी। डूरंड कप तीसरा सबसे पुराना और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। गोकुलम केरल ने मोहन बागान को 2-1 से हराकर 2019 डूरंड कप जीता था। करनाला नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस RBI ने रद्द कर दिया है। RBI ने करनाला नगरी सहकारी बैंक को 13 अगस्त 2021 से अपने सभी कार्यों को बंद करने का निर्देश दिया है। RBI ने सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों महाराष्ट्र के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। RBI के अनुसार जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से 95% जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि की पूरी राशि मिल जाएगी। बैंक के परिसमापन पर प्रत्येक जमाकर्ता को
5 लाख रुपए की मौद्रिक सीमा तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का अधिकार दिया जाएगा। करनाला नगरी सहकारी बैंक रायगढ़ महाराष्ट्र में स्थित है। अपर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाओं के कारण इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। राष्ट्रपति ने भारतीय वायुसेना के अधिकारियों को शौर्य चक्र प्रदान किया। विंग कमांडर वरुण सिंह फ्लाइंग, जो लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट LCA स्क्वाड्रन में पायलट हैं, को असाधारण वीरता के कार्य के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति ने वायुसेना अधिकारी ग्रुप कैप्टन परमिंदर अंतिल को भी शौर्य चक्र से सम्मानित किया है, जो जनवरी 2020 से Sukhoi-30 MKI स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर हैं। वायुसेना अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर दीपक मोहनन और विंग कमांडर उत्तर कुमार को असाधारण साहस के कार्य के लिए वायुसेना पदक वीरता से सम्मानित किया गया है। स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना अधिकारी कप्तान सचिव रूबेन सिकेरा को शौर्य चक्र देने की मंजूरी दी है। राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के कर्मियों को 144 वीरता पुरस्कारों को देने की मंजूरी दी है। इनमें एक अशोक चक्र, एक कीर्ति चक्र, 15 शौर्य चक्र और अन्य शामिल हैं। राष्ट्रपति ने अशोक चक्र के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के ASI श्री बाबूराम और कीर्ति चक्र के लिए श्री अल्ताफ हुसैन भट्ट के नाम को मंजूरी दी है। बांग्लादेश के ऑलराउंडर साकिब अल हसन को पुरुष वर्ग में जुलाई के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। वेस्ट इंडीज की कप्तान स्टेफनी टेलर को महिला वर्ग में जुलाई के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है। साकिब अल हसन को खेल के तीनों प्रारूपों में उनके योगदान के लिए नामित किया गया है। उन्होंने जिम्बाब्वे पर बांग्लादेश की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान के खिलाफ 4 वनडे में टेलर ने 79.18 के स्ट्राइक रेट से 175 रन बनाए और 3 विकेट लिए। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी रूपों में पुरुष और महिला क्रिकेटरों दोनों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को मान्यता देता है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड का गठन जनवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्रिकेट की वैश्विक शासी निकाय है। इसका मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। ग्रेग बार्कले ICC के वर्तमान अध्यक्ष हैं। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत को 181 देशों में 122वां स्थान मिला है। इसे राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा दुनिया भर में युवाओं की स्थिति को मापने के लिए जारी किया गया है। इस रैंकिंग के अनुसार अफगानिस्तान, भारत, रूस, इथियोपिया और बुर्किना फासो 2010 से 2018 के बीच शीर्ष 5 सुधारकर्ता थे। 156 देशों ने अपने स्कोर में मामूली सुधार दिखाया है। वैश्विक शिक्षा स्कोर में 3% की वृद्धि हुई और शांति और सुरक्षा स्कोर में 3.41% का सुधार हुआ है। 2010 से 2018 के बीच सीरिया, यूक्रेन, लीबिया, जॉर्डन और लेबनान ने युवा विकास में गिरावट दिखाई है। रैंकिंग में सिंगापुर के शीर्ष पर है, सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है। स्लोवेनिया और नॉर्वे को क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है। युवा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और राजनीतिक और नागरिक भागीदारी में प्रगति के अनुसार सूचकांक
0.00 निम्नतम और 1.0 उच्चतम के बीच के स्कोर के आधार पर देशों को रैंकिंग देता है। यह देशों को रैंकिंग प्रदान करने के लिए साक्षरता और मतदान सहित 27 संकेतकों का उपयोग करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप करंट अफेयर से जुड़े क्विजेज को देना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और पूरा वीडियो देखने के लिए एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।